assalamu alaikum students i hope you all are fine this is your video lecture for the subject computer science and i am your computer teacher sabrina mushtaq this is the third video lecture of chapter number 1 that is computer networks लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो नेटवर्क होता है उसकी क्लासिफिकेशन फोर टाइप्स में होती है ठीक है एक तो होता है एरिया कवर्ड दूसरा होता है आर्किटेक्चर तीसरा होता है टोपोलॉजी एंड फोर्थ इज मीडियम यूज़ ठीक है लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था पहला वाला नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड ठीक है लोकल एरिया नेटवर्क सॉरी पर्सनल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है तो उसमें uh, कितना एरिया करता है कवर उस हिसाब से क्लासिफिकेशन हुई थी आज जो है दूसरा दैट इज आर्किटेक्चर के जो नेटवर्क है वो किस तरीके से बना है वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है उस हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेटवर्क बेस्ड ऑन दी आर्किटेक्चर के कौन सा नेटवर्क किस तरीके से बना है ठीक है उस हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन क्या है तो बेस्ड ऑन दी आर्किटेक्चर ठीक है बेस्ड ऑन दी आर्किटेक्चर देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क ठीक है अगर हम लोग आर्किटेक्चर के हिसाब से करेंगे क्लासिफाई नेटवर्क को तो उसमें दो टाइप्स आते हैं एक आता है पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड दूसरा आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ठीक है वन इज पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड द सेकेंड इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ठीक है तो अब इन ही दो को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कौन सा होता है पेयर टू पेयर नेटवर्क कौन सा होता है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दिस इज द फोटो ऑफ अ ठीक है दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है जो यहाँ पे है दिस जिसको मैंने किया ये सर्वर है ठीक है ये सर्वर है ठीक है और जो बाकी इसके बगैर जो भी यहाँ पे कंप्यूटर है ठीक है प्रिंटर्स है फोन है लैपटॉप है ये सारी बाकी क्या है ये क्लाइंट है ठीक है ये क्लाइंट है तो जिसको मैंने एनसर्कल किया वो सर्वर है बाकी सारे क्लाइंट है ठीक है तो इसमें क्या होता है जो आ, ये होता है यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की ठीक है जो यहाँ पे बीच में सीपीयू बॉक्स आपका आ, जैसा आपको दिख रहा है ये सर्वर है ठीक है और बाकी जो पांच है ये क्लाइंट है ठीक है क्लाइंट वन क्लाइंट टू क्लाइंट थ्री क्लाइंट फोर क्लाइंट फाइव ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोली है ठीक है जो आपकी लैब है स्कूल में ठीक है वहां पे जो नेटवर्क है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है ठीक है जैसे आपने देखा होगा सर्वर है और आप आप जिन पे का, काम करते हो जिन कंप्यूटर्स पे आप काम करते हो वो क्लाइंट्स है ठीक है जिसके साथ वो सारे कनेक्टेड होते हैं वो सर्वर है आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब में वहां पे एक मेन कंप्यूटर है उसके साथ वो सारे कनेक्टेड है ठीक है तो वो वहां पे सर्वर है और बाकी जो भी वहाँ पे कंप्यूटर्स है जिन पे आप वर्क करते हो वो क्लाइंट है यहाँ पे भी क्लाइंट वन है क्लाइंट टू क्लाइंट थ्री क्लाइंट फोर क्लाइंट फाइव है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाता है ये सारे एक ही सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं और डिपेंड भी इसी पे होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्लाइंट टू खराब हो जाता है ठीक है उससे बाकी क्लाइंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या क्लाइंट फोर खराब हो जाता है तो उससे बाकी क्लाइंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो नॉर्मली वर्क करेंगे ठीक है लेकिन अगर यहाँ पे सर्वर खराब हो गया तो ये सारा जो है सारा का सारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा वो खराब हो जाएगा बैठ जाएगा मतलब उसमें से फिर कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा क्यों क्योंकि वो सारा ये सारे क्लाइंट्स होते हैं डिपेंडेंट ऑन दिस सर्वर ठीक है जो इसमें मेन है एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर कोई एक क्लाइंट खराब हो जाएगा तो उसमें कोई इशू नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल एक मैं आपको देती हूँ ठीक है आप मान लीजिए आपके पास चार मोबाइल फोन है ठीक है उसमें से एक मोबाइल फोन में हॉटस्पॉट ऑन है उस हॉटस्पॉट वाले मोबाइल को आप सर्वर मान लीजिए और जो बाकी तीन फोन है ठीक है मोबाइल फोन है वो क्या है उनमें वाईफाई है ठीक है वाईफाई ऑन है और वो तीन वाईफाई जो है वो कनेक्टेड है जो मेन पहला था ठीक है जिसको हमने सर्वर माना ठीक है वो उसके साथ कनेक्टेड है उस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड है किसके लिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए ठीक है तो अब अगर उन तीनों में से जिन तीनों पे वाईफाई ऑन है उन तीनों में से अगर कोई एक स्मार्टफोन खराब हो जाता है तो बाकी दो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है वो क्लाइंट है ना तो उन बाकी दो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना तो सर्वर पे फर्क पड़ेगा ठीक है बाकी दो जो है वो नॉर्मली वर्क करेंगे लेकिन अब जिस पे आपको तो पता ही होगा कैसे वर्क करता है हॉटस्पॉट और वाईफाई का कनेक्शन अब जिस पे हॉटस्पॉट ऑन है अगर वो बंद किया गया या उसका डेटा खत्म हो गया या वो स्विच ऑफ हो गया या वो खराब हो गया ठीक है तो जो वो वाईफाई उसके साथ कनेक्टेड है उन तीन वाईफाई में से कोई भी नहीं चलेगा क्यों क्योंकि मेन जो था हॉटस्पॉट जो था ठीक है जो सर्वर था वो ही बैठ गया तो ऑब्वियसली बाकी तीनों क्लाइंट जो है बाकी तीनों वाईफाई जो है वो बेकार हो गए ठीक है उसी तरह जो यहाँ पे होता है ये क्लाइंट सारे डिपेंडेंट होते हैं सर्वर पे ठीक है जो भी डेटा आप क्लाइंट में रखते हो क्लाइंट में रखते हो क्लाइंट वन टू थ्री फोर फाइव किसी में भी आप रखोगे वो वो सारा सर्वर में रहता है ठीक है मैंने आपको ऑलरेडी ये बोला है तो वो सारा किस में रहता है सर्वर में रहता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू पेयर टू पेयर नेटवर्क क्यों क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला इसको ये सारा डिपेंड होता है सर्वर पे ठीक है तो इसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा लगती है ठीक है अगर सर्वर खराब हो गया ठीक है उसमें डेटा लॉस हो गया तो वो कहीं पे नहीं मिलेगा वो डेटा ठीक है अगर सर्वर खराब हो गया तो सारा का सारा नेटवर्क बैठ जाएगा ठीक है सो दिस वॉज क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप यहाँ पे आपको दिखेगा एक लाइन है ठीक है ये और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे भी एक लाइन है और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है ऐसे ही सिमिलरली बाकी तीन में भी ऐसे ही है ठीक है सो दिस इज क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप तो ये है यहाँ पे एग्जाम्पल नेटवर्क की यहाँ पे आप देख सकते हैं नोड वन नोड टू नोड थ्री नोड फोर एंड नोड फाइव ठीक है यहाँ पे पांच है ये इससे ज्यादा भी हो सकते नॉट नेसेसरी पांच ही नोड्स का बनता है ये नेटवर्क ये पांच भी हो सकते हैं पांच से कम भी हो सकते पांच से ज्यादा भी हो सकते ठीक है ये यह बस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए है तो यहाँ पे जो आपस में ये नोट है सारे ठीक है ये आपस में कनेक्टेड है ठीक है तो इसमें क्या हो जाता है जो जो भी कोई नोड होता है ये आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं अब फॉर एग्जाम्पल नोड वन खराब हो गया ठीक है जो नोड वन पे सिस्टम है ये खराब हो गया ठीक है फिर भी जो है नोड टू थ्री फोर एंड फाइव इन चार का फिर भी आपस में बना हुआ है नेटवर्क ठीक है नोड वन के खराब होने से उन चार पे कोई असर नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन आ, <coughs> वहां पर आपने देखा होगा जो क्लाइंट सर्वर आ, जो नेटवर्क है ठीक है वहां पे अगर सर्वर में प्रॉब्लम होती है ठीक है तो वो सारा नेटवर्क बंद हो जाता है ठीक है लेकिन अगर किसी नोड में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बाकी में प्रॉब्लम नहीं करता ठीक है ठीके? लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे अगर कोई सा भी नोड खराब हो जाएगा ठीक है उससे बाकी नेटवर्क पे फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि वो फिर भी आपस में कनेक्टेड है ठीक है जो भी नोड खराब हो जाएगा बस वो बंद हो जाएगा बाकी के चार जो नोड्स है या बाकी के जो नोड्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे उनका जो नेटवर्क है वो बराबर रहेगा यहां पे दैट मीन्स पेयर टू पेयर नोट नो no, ठीक है यहाँ पे पीयर टू पेयर नाम से ही पता चल रहा है जैसे क्लाइंट सर्वर में पता चल रहा है क्लाइंट और सर्वर होता है यहाँ पे पीयर टू पीयर मतलब नोड टू नोड मतलब सिस्टम सो सिस्टम होता है कनेक्शन आपस में और वही बनाता है आर्किटेक्चर वही एक नेटवर्क बनाता है ठीक है और जो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है ये ज्यादातर यूज किया जाता है जहां पे स्मॉल हो ठीक है जहां पे नेटवर्क स्मॉल हो जहां पे ज्यादा कंप्यूटर्स ना हो ठीक है एंड वन मोर थिंग ये मेनटेन करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर ठीक है इसका मतलब इनएक्सपेंसिव होता है ऑलरेडी कि अगर एक नोट खराब हो जाएगा तो उससे बाद में फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो आज हमने पढ़ा नेटवर्क बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर और उसमें दो आते हैं सर्वर क्लाइंट क्लाइंट सर्वर और आता है पेयर टू पेयर जो यहाँ पे है जहाँ पे कर्सर है ठीक है तो जो पहला वाला है ये सर्वर क्लाइंट है ठीक है क्लाइंट सर्वर यहाँ पे क्लाइंट होता है वो कनेक्टेड होते हैं क्लाइंट uh, जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक ही सर्वर के साथ ठीक है और वो डिपेंडेंट भी होते हैं उसी सर्वर पे ठीक है लेकिन पीयर टू पीयर कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं ठीक है ठीके? और उन कनेक्शन से क्या हो जाता है अगर कोई भी uh, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं एक दूसरे पे ठीक है लाइक मोस्टली नहीं होते हैं डिपेंडेंट ठीक है